हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ले लिए हैं 250 ग्राम टिंडे। इसको हम अच्छे से छीन लेंगे, इस तरह से इसकी ऊपरी स्किन हम निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से अच्छे से निकल जाती है। आप देख सकते होंगे, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हम इसकी स्किन को पील कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारे टिंडे छिल लेते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें हमने छिल लिया है और अगेन धो भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जो पीछे वाला हिस्सा रहेगा, इस तरह से इसे हम गोल आकार में काट देंगे, इस तरह से, जिससे कि ये ढक्कन जैसा निकल जाएगा। फिर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसके अंदर से हमें इस तरह से सारी जो इसके अंदर टिंडे का जो अंदर का, इसे हम इस तरह से पूरा निकाल लेंगे। तो बहुत आसानी से निकल जाता है फ्रेंड्स, चाकू से ये कट जाता है, इसलिए आप कोशिश करें कि चम्मच से करें। चम्मच से करके दिखाती हूँ आपको मैं। इस तरह से कोई सी भी चम्मच या फोक ले लीजिए और इस तरह से ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। और याद रखिएगा कि जब हम भरवा टिंडे वगैरह बनाते हैं तो छोटी छोटी सब्जी यूज़ करें, मतलब हमें टिंडे बिल्कुल छोटे साइज़ के लेना है। इस तरह से इसे हम कोरते हुए सारे टिंडे कोर कोर के निकाल देंगे टिंडे का अंदर का, क्योंकि इसकी हम स्टफिंग रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारे टिंडे रेडी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे टिंडे रेडी कर लिए हैं। कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया हमने फ्रेंड्स, और इसमें डाल देंगे हम थोड़े से मूंगफली और इसे रोस्ट। फ्रेंड्स, हमारे मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। देखिए इसका छिलका आसानी से उतर रहा है। अब इसे हम ठंडा करके पीस लेंगे। अगेन फ्रेंड्स, इसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है 2 चम्मच बेसन, जिसे कि हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे ड्राई रोस्ट ही करना है, ऑयल वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ। इसे कुछ देर के लिए अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमारा बेसन रोस्ट हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी सी अरोमा आने लगी है, मतलब कि बेसन हमारा बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। चलिए इसे भी हम एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब हम डाल देंगे कढ़ाई में ऑयल। ऑयल आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें अब हम डाल देंगे राई, जीरा, थोड़ी सी हरी मिर्ची, साथ ही डाल देंगे थोड़े से प्याज। बहुत अच्छे से इसे हम ब्राउन होने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐड कर दूंगी मैं थोड़ी सी सौंफ और एकदम थोड़ी सी हींग। हींग और सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर मिलाइएगा। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। मिर्च और नमक की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से। इस तरह से इसे बहुत अच्छे से हम मिला देंगे। साथ ही इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी जो हमने टिंडे से स्टफिंग निकाली हुई थी, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे से इसे मिला देंगे। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेसन। बेसन हमने पहले से ही रोस्ट करके रखा है। और अब इसमें जाएगा मूंगफली पाउडर, जिसे कि मैंने पीस लिया है। इसे भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हो इस तरह से बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग बनकर रेडी है। इसे कुछ समय के लिए हम ढक देते हैं। कुछ देर बाद स्टफिंग को हम एक थाली या प्लेट में निकाल लेंगे। स्टफिंग हमने निकाल ली है, अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे।
फ्रेंड्स इस तरह से अब हम एक एक टिंडा ले लेंगे और इसमें स्टफिंग को ऐड कर देंगे। आप चाहो तो चम्मच से भी ऐड कर देना, लेकिन मैंने हाथ से ही ऐड किया है। और इस तरह से इसे हम बंद कर देंगे। इस तरह से सारे टिंडे हम फिल कर देंगे। इस तरह से सारे बंद कर देंगे। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए फ्रेंड्स मेरे टोटली 6 टिंडे हैं और सारे रेडी हो गए हैं। बाकी की जो हैं स्टफिंग इसे हम सब्जी में यूज़ कर लेंगे। एक पैन में फिर से हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ी सी राई डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमने पहले भी डाल चुके हैं स्टफिंग में, इसमें हम बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालेंगे। थोड़ा सा हम डाल देंगे प्याज और हरी मिर्ची। और पहले की तरह इन्हें भी हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा लहसुन, एकदम बहुत थोड़ी सी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा इसे हम चला देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टिंडे। इस तरह से और इसे अब हम ढककर पकाएंगे। कुछ देर बाद फ्रेंड्स हम इसे उलट पुलट कर देंगे। और इसी टाइम पे हम जो हमने स्टफिंग बची हुई थी उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इनके साथ हम टिंडों को बहुत अच्छी तरीके से पका लेंगे सॉफ्ट होने तक। चलिए इन्हें हम रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स ऑयल अलग हो चुका है और हमारे जो टिंडे हैं देख सकते हैं बहुत अच्छे से पककर रेडी हो गए। इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी बहुत ही टेस्टी मसाला टिंडा की सब्जी बनकर भरवा टिंडा रेडी हो गए हैं। इसे आप दाल चावल रोटी के साथ सर्व कीजिए या पराठे के साथ सर्व कीजिए। आप इसे ट्रेवलिंग में भी ले जा सकते हो, ये सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। जिन्हें टिंडे की सब्जी नहीं पसंद होगी वो भी 2 की जगह 4 रोटी जरूर खा जाएगा। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।